आरटीओ में काम कराने के लिए आने वाले लोगों से मनमाने पैसे वसूलने की शिकायत पर एडीएम सिटी ने छापा मारा। पुलिस के साथ अधिकारियों के पहुंचने पर कार्यालय के साथ बाहर दलालों में खलबली मच गई। इस दौरान काउंटर पर बैठे बाहरी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरटीओ में दलालों का बोलबाला है। लाइसेंस बनवाने के लिए यहां आने वाले लोगों को दलाल आरटीओ कार्यालय में प्रवेश करने से पहले ही घेर लेते हैं। दलाल धारकों को अपनी सीट पर ले जाते हैं और लाइसेंस बनवाने के लिए सौदेबाजी शुरू कर देते हैं। इसकी शिकायत मिलने पर एडीएम सिटी ने पुलिस के साथ आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा। कार्रवाई होने पर आरटीओ में कार्य करने वाले प्राइवेट कर्मचारी भी भाग निकले। हाँ जी, 400 रुपए टोटल दिए थे। 350 रुपए फीस है। परमानेंट की पता ही नहीं, अभी पता चलेगा तब बताएंगे। तो ये तो दुकान पर कटवाया था, पर्ची काट के दिया था, लिफाफा भी दिया था हमारे थे जो रखने के लिए बोले इससे तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तब 400 रुपए लिए थे हमारे। 400 रुपए लिए हैं, 350 रुपए तो फीस के मांगे थे उन्होंने और 50 रुपए अपने मांगे। क्या मतलब ज्यादा पैसे लिए जाते फीस के नाम पर? नहीं, 50 ही मांगे थे, 350 और 50। ऑफिस में काम नहीं हो रहा था आपका? कहाँ पर? यहाँ पर। बाहर क्यों? आप दलालों से क्यों मिले थे? घर के पास था, वहीं से कर लिया साइबर कैफे से ऑनलाइन। पुलिस के साथ अधिकारियों के पहुंचने पर आरटीओ कार्यालय के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई के डर से दलाल बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लाइसेंस धारकों का कहना है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 350 रुपए है, लेकिन बाहर दलालों ने अधिक पैसे लिए हैं। कार्यालय में भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। छापामार कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने अधिक पैसे देने वाले लाइसेंस धारकों और पैसे लेने वाले दलालों के नाम भी नोट किए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है ये बहुत लंबी लाइनें लगती है यहाँ पर आने में। कभी मैं एक साल पहले बनवा के गया था, फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा आया हूँ मैं लर्निंग के लिए ही। इतनी लंबी लाइनें लगती हैं कि आदमी के आने की दोबारा इच्छा ही नहीं होती है यहाँ पर। ये सर मैंने अभी तक तो ऐसा सुना नहीं है और ना ही मैंने दिए हैं। मैंने तो साइबर कैफे से निकलवाया था, ऑनलाइन निकाला था अपने, अभी उसका मेरा तो कोई ज़्यादा चार्ज हुआ नहीं, बाकी और का मेरे को पता नहीं है। एडीएम सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि दलाली की शिकायत पर आरटीओ कार्यालय पर छापा मारा गया था। इस दौरान काउंटर पर बैठकर कार्य कर रहे बाहरी युवक को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए निर्मल के खिलाफ आरआई सुधीर कुमार ने मुकदमा लिखने के लिए हरी पर्वत थाने में तहरीर दी है। और जो है लाइसेंसिंग फीस के लिए और जो ये कंप्यूटर सेक्शन इनका है, इसमें प्राइवेट लोगों की काम करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके सूचना पर जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है और एक लड़का निर्मल है वो प्राइवेट ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए पाया गया है। जिसके खिलाफ फीस वसूली जाती है यहाँ पर? नहीं, फीस के लिए यहाँ पर जो लोग लाइन लगे हैं, कुछ लोग तो ऑनलाइन कराते हैं, कुछ लोग बाहर जो दुकान अपनी ऑनलाइन की खोल के बैठे हैं वहाँ कराते हैं। वहाँ पर इन लोगों द्वारा बताया गया कि किसी की 50 रुपया, किसी की 200 रुपया, किसी की 100 रुपया की फीस जो है वो लेकर के इनका ऑनलाइन फॉर्म कराया जाता है। सर, दलाल बैठे हुए हैं बाहर, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी इसका चिन्हीकरण विभाग के माध्यम से कराया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, अंदर प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आज एक को पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आरटीओ अशोक कुमार सिंह का कहना है कि कार्यालय के बाहर दलाल सक्रिय रहते हैं। शिकायत मिलने पर दलालों पर कार्रवाई करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा जा चुका है। बाहरी व्यक्ति आरटीओ का माहौल खराब कर रहे हैं। छापा कार्रवाई के दौरान एडीएम सिटी ने निर्मल नाम के युवक को काउंटर से पकड़ा है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।